मेरा नाम है पेप्लो, आप दे रहे हैं पेप्लो की टीच। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या दोस्तों आपको भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है, क्या दोस्तों आपको भी भारतीय जनता पार्टी का कार्ड चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको दोस्तों इस तरह का बिल्कुल प्रूफ वाला, जिसमे दोस्तों आपका फोटो, नाम, एड्रेस, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें बिल्कुल वैलिड आईडी के साथ बन के आपके सामने आएगा। यहाँ दोस्तों इस कार्ड को बनाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से, मतलब कि आसान तरीके से समझा दूंगा किस तरह से आपको दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है, और आपको दोस्तों चुटकियों में ये वाला कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन द्वारा मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकते हैं चुटकियों में, और आपका दोस्तों बिल्कुल वैलिड कार्ड ही बनेगा। ठीक है, आइए दोस्तों, यदि आपको भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है तो दोस्तों आज की वीडियो आपको दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक देनी पड़ेगी। यहाँ दोस्तों मैंने अपना कार्ड बना के रेडी कर लिया है। इस तरह से दोस्तों आप भी अपना कार्ड बना के रेडी कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको लिखा हुआ पाया जाएगा सतत भाजपा विकसित भारत भारतीय जनता पार्टी। यहाँ दोस्तों आपको इस कार्ड को कैसे निकालना है, जिसमें दोस्तों आपका नाम, स्टेट, मेंबरशिप आईडी और दोस्तों आपका फोटो और आपका नीचे दिया होगा क्यूआर कोड। इस कार्ड को आप दोस्तों निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से दोस्तों आपको सबसे पहले अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च करना है दोस्तों बीजेपी मेंबरशिप कार्ड। ठीक है, ये डालने के बाद आपको दोस्तों पहली वेबसाइट मिलेगी, पहली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। पहली वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे सबसे पहले आपका नंबर मांगा जाएगा, लॉगिन हियर। यहाँ दोस्तों आपको अपने नंबर से वेरीफाई कर लेना है, जिसमें दोस्तों आपको नंबर और ओटीपी दोनों चीज डालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ दोस्तों मैं फटाफट अपना नंबर और ओटीपी डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने अपना नंबर एंटर किया और मेरा दोस्तों यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपको ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको हिस्ट्री बता दूँ, यहाँ मैंने दोस्तों अपना पहले से कार्ड बना कर रखा हुआ था, इसलिए मेरे में दोस्तों यहाँ पे एंट्री सारी दे रहा है। यदि आपके में एंट्री नहीं दे रहा है तो आपको किस तरह से एंट्री करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ दोस्तों आपको सबसे पहला ऑप्शन दे रहा होगा फोटो वाला, जिसे कहते हैं प्रोफाइल। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कैमरे पे। कैमरे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आपकी फोन की सारी फोटोज आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ से आप दोस्तों अपना मनचाहा फोटो लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आपको उसे यहाँ पे नीचे दे रहा होगा सिलेक्ट टाइटल। सिलेक्ट टाइटल में आप दोस्तों मिस्टर मिसेज जो भी हो वो आप दोस्तों यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर आपको अपना नाम डाल देना है। फिर आपको दोस्तों नीचे दिया होगा आपका धर्म, आपका जो भी धर्म हो वो दोस्तों यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको जेंडर मेल या फीमेल कर देना है। ठीक है, जो भी आप हो उस तरह से आपको एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों कास्ट पूछी जाएगी। कास्ट में आप दोस्तों अपना कास्ट डाल देना, जिस भी कास्ट के दोस्तों आप हैं। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपको इतनी एंट्री करने के बाद नीचे दे रहा होगा कैटेगरी। कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको जनरल जो भी आपका हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे दे रहा होगा प्रोफेशन। प्रोफेशन में आप दोस्तों यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे वोटर आईडी लगाने का भी मौका मिलता है, जिसमें दोस्तों आप अपनी वोटर आईडी को भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दोस्तों नीचे दे रहा होगा एजुकेशन। एजुकेशन में आप दोस्तों अपनी एजुकेशन भी लगा सकते हैं, यदि आप 10th पास हैं या 12th पास हैं या आपने ग्रेजुएट कर रखा है या आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है। यहाँ पे आप दोस्तों इस तरह से एंट्री करने के बाद ऊपर स्क्रॉल करना। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा होगा फैमिली डिटेल। यहाँ पे आप दोस्तों अपने पिताजी का नाम भी डाल सकते हैं पूरी तरह से, जैसे कि मैं डाल लेता हूँ अपने पिताजी का नाम। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे पिताजी का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आगे स्क्रॉल करने के बाद जितनी भी एंट्री दी जाती हैं वो आपको डाल देनी है। जैसे जैसे आप दोस्तों आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका कार्ड दोस्तों पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको तीसरे कॉलम में दे रहा होगा कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पे आपको दोस्तों कंट्री, होम एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी हो वो आपको एंट्री करने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट में दे रहा होगा पिन कोड। पिन कोड पर एंट्री करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे दे दिया जाएगा जिला, मंडल, बूथ, वार्ड नंबर, ये सब एंट्री आप दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपको आगे दे रहा होगा सोशल डिटेल। यहाँ पे आप दोस्तों अपना सोशल मीडिया किसी भी चैनल का लिंक डाल सकते हैं, चाहे आपका फेसबुक हो
चाहे आपका इंस्टाग्राम हो चाहे व्हाट्सअप हो, ठीक है। यहाँ पे आपको इतनी एंट्री फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे दे रहा होगा अपडेट वाला ऑप्शन। अपडेट वाले ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका दोस्तों प्रोफाइल सक्सेसफुली सेट हो जाएगी, ठीक है। प्रोफाइल सक्सेसफुली सेट होने के बाद यहाँ पे आपको शुरू में डैशबोर्ड में आ जाना है। यहाँ पे आपको दोस्तों आपका कार्ड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वैलिड आईडी के साथ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप दोस्तों अपने कार्ड को चुटकियों में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने कुछ ही एंट्री की हुई है जिसके कारण मेरा यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट योर प्रोफाइल पे 40% दे रहा है। यहाँ पे आप यदि पूरी एंट्री कर देते हैं तो आपका दोस्तों यहाँ पे 100% एंट्री के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी का कार्ड बन जाएगा और आप दोस्तों ऑनलाइन ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इस कार्ड को डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको कार्ड के नीचे डाउन वाला ऑप्शन दे रहा होगा। जैसे ही आप दोस्तों डाउन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका दोस्तों कार्ड आपकी फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप दोस्तों इस कार्ड को कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। इस तरह से आप दोस्तों अपना बिल्कुल फ्री में घर बैठे अपने फ़ोन से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। वीडियो में जानकारी मैंने आपको सारी दे दी है किस तरह से आपको यहाँ पे दोस्तों एंट्री डिटेल करनी है। और यहाँ पे आपको वेबसाइट खोलने के लिए बीजेपी मेंबरशिप कार्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मैं चलता हूँ। वीडियो में जानकारी आपको बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री माता।